वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार इस नए मोटो व्लॉग में स्वागत है। आज का ये मोटो व्लॉग जो बना रहा हूँ मैं तानसा लेक के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि मेरे घर से करीब करीब 89 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि बारिश हुई है, हल्की हल्की सी बारिश है, तो चारों ओर हरियाली, बहुत ही अच्छे सीनिक व्यू मिलने वाला है। सारे रास्ते को मैं बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर करूंगा। और आज के इस मोटो व्लॉग में खासियत है कि मेरे साथ में मेरे सिस्टर इन लॉ का लड़का यानी कि हीत मेरे साथ में है। पिछली बार जब मैं इगतपुरी गया था तो मेरे इन लॉज के बच्चे और आई मीन मेरे ब्रदर इन लॉ का बच्चे और मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे मोटो व्लॉग में मेरे साथ में चलने के लिए। तो मैंने उनसे ये वादा किया था कि अगले हर सैटरडे को तीनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को लेकर जाऊंगा और बारी बारी से तीनों बच्चों को मैं मोटो व्लॉग में मेरे साथ में रखूंगा। तो आज मैं अपना ये पहला प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ और मैं हीत को इस वक्त सीधे उसके घर पर जाके उसके घर के नीचे से मैं पिकअप करके सीधा वहाँ से तानसा लेक के लिए रवाना हो जाऊँगा। इस वक्त हीत नीचे आ चुका है और सामने के रास्ते पे बड़ी ही बेसब्री के साथ खड़ा है। कल से ही वो बहुत एक्साइटेड था और काफ़ी सारे मैसेजेस और फ़ोन कर रहा था। वो इस राइड पे किसी भी कीमत पे मेरे साथ में आना चाहता था। वैसे बता दूं दोस्तों कि पहले हम महाबलेश्वर जाने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से मैंने इतना लंबा राइड जो है वो कैंसिल किया है। देखिए इस वक्त मेरे पास हीत और नीरज दोनों एक साथ में खड़े हैं। रेडी? ये रख दे डिक्की में, रुका जा। काफी सारे बाइकर्स बाइक राइडिंग के लिए, पूरा ग्रुप है शायद मेरे ख्याल से इनका, और ये कहीं तो भी राइडिंग के लिए जा रहे हैं। अक्सर मैं सोलो राइडिंग ही करता हूँ, मुझे ग्रुप राइडिंग ज्यादा पसंद नहीं है। ग्रुप राइडिंग ना करने की वजह भी एक ये है दोस्तों कि कई बार आपको उनके साथ साथ स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलना होता है। ये थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है क्योंकि कोंकण राइड में भी मैंने ये किया था, पर उसका एक अलग मज़ा भी है। मज़ा ये है कि आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और रास्ते में अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको एक तुरंत हेल्प मिल जाती है। सोलो राइडिंग में वैसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप बाइक पर हो तो कुछ ना कुछ घटना होने के चांसेस तो रहते ही है। कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम आपका टायर पंचर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में सोलो राइडिंग थोड़ी सी रिस्की हो जाती है और ग्रुप राइडिंग में आप सेफ हो जाते हो। फिर भी दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आप नए राइडर्स हो तो आपको हमेशा ग्रुप राइडिंग ही करनी चाहिए, लेकिन मैं अक्सर सोलो राइडिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ, रिस्क लेता हूँ। तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप कम से कम मेरी तरह रिस्क ना लें। रिस्क लेना मेरी आदत है, मेरा शौक है, मेरा पैशन है। तो मुझे आप हर तरीके से फॉलो मत कीजिएगा, आप अपना कंफर्ट पहले देखिएगा और बाद में कुछ भी एडवेंचर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया था, आगे चला गया था, लेकिन हाईवे से भिवंडी जाने के रास्ते पे ये पहला लेफ्ट है जहाँ से लेफ्ट लेके मुझे अंदर की ओर जाना था। जैसा कि मुझे गूगल मैप में ये रास्ता दिखा रहा है, ये रास्ता हाईवे से थोड़ा हटके है। मैं कभी पहले इससे पहले इस रास्ते पर आया नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी रास्ता बिल्कुल नया है। और देखते हैं आगे चल के रास्ता मुझे किस तरीके से कैसा रास्ते से होते हुए तानसा लेक की ओर ले जाता है। बहुत ही बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर इस रास्ते पे लगा दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत थी यहाँ पे, पर क्या कह सकते हैं, ऐसी जगहों पर बाइक चलाने में बाइक की पूरी जो है बैंड बज जाती है। ये देखिए, ये करीब करीब चौथा या पांचवा स्पीड ब्रेकर है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसी जगहों पर। अब यहाँ से होते हुए रास्ता, आई थिंक मुझे लगता है ये हाईवे से तानसा लेक की ओर जाने का कोई तो भी शॉर्टकट है, या कई बार ऐसा भी होता है कि गूगल मैप आपको गोल गोल घुमाते रहता है। मुझे नहीं लगता था कि ये कोई रास्ते से मुझे जाना चाहिए था, पर अब गूगल मैप पे इसका लोकेशन डाला है तो जैसा गूगल मैप कहे वैसे ही बाइक चलानी चाहिए। मिस्टेक, रास्ता फिर से गड़बड़ हो चुका है।
यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है गूगल मैप पे 100% भरोसा करने की। कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मैं गूगल मैप के चक्कर में कई बार रास्ते भटक जाया करता हूँ। इसलिए कई बार आपको खुद को भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रास्तों के बारे में। लेकिन नए लोकेशन पर जब आप जाते हो तो हर रास्ते के बारे में आपको पता होना ज़रूरी भी नहीं होता है। तो देखते हैं अब यहाँ से यह रास्ता कहाँ निकलता है। अब शायद हम सही रास्ते से निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए सारी पाइपलाइन से इस तरफ, जहाँ से मुंबई को पानी जो है सप्लाई होता है, और यहाँ से ये रास्ता राइट की ओर बता रहा है। मेरे ख्याल से इस रास्ते को पाइपलाइन वाला रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जब मैं बिजनेस के सिलसिले में अक्सर जब भी भिवंडी जाया करता था तो एक रास्ता जो होता था भिवंडी से आने के लिए और जाने के लिए, उसे पाइपलाइन द्वारा रास्ता कहा जाता था। तो मैं शायद यहाँ पे एक बार पहले कार से भी जा चुका हूँ, ऐसा मुझे इस वक्त इस रास्ते को देख के लग रहा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुंबई में जो पानी की सप्लाई है वो 7 नदियों से होती है, जिसमें से एक तानसा है। तानसा से मुंबई में, पूरे मुंबई में पानी जो है वो पीने का पानी समझिए या जो भी है वो सप्लाई होता है। और इतने बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसके द्वारा नदियों से पानी जो है हमारे शहर तक आता है। करीब करीब अब यहाँ से 41 मिनट्स का और रास्ता है, और रास्ता जो है पूरा मुझे लगता है इस तरीके से ही अब चलेगा। हम हाईवे से हट के अंदर की तरफ आ चुके हैं, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है इस रास्ते पे। दोस्तों इस वक्त बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, दोनों तरफ पाइपलाइंस है और उसके बीच से हम लोग इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। बस थोड़ी सी बारिश की कमी है, अगर बारिश भी इस माहौल में आ जाए तो बाइक राइड का जो मज़ा आएगा कि आप पूछिए मत। मैं जानबूझ के इसलिए आज के इस बाइक राइड पे मेरा बाइक का जैकेट और नी पैड वगैरह कुछ भी पहन के नहीं आया हूँ, ताकि मैं बारिश को फील कर सकूँ। सिर्फ मैंने हैंड ग्लव्स पहने हैं, लेकिन बदनसीबी कि आज बारिश ज़रा भी मुझे नहीं लगती है कि आएगी। इस वक्त क्लाइमेट देख के तो मुझे एटलीस्ट ऐसा लग रहा है, पर आज आए तो बस आज की ये राइड जो है बहुत मज़ा आ जाएगी। पैंतीस किलोमीटर का रास्ता है, और अगर ये पाइपलाइन भी 35 किलोमीटर तक मेरे साथ में चली तो वास्तव में ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पाइपलाइन मुंबई शहर में पानी लाने के लिए मुंबई सरकार द्वारा बनाई गई है। अपने आप में कुछ बातें जब आप देखते हो, ऐसे दृश्य को देखते हो वहाँ जाके, तो बहुत ही आश्चर्य लगता है कि इतने साल हम थे कहाँ, हमने चीज़ें क्यों नहीं देखी। हमें सब चीज़ें पता थी कहीं ना कहीं कि इन 7 नदियों से मुंबई में पानी आता है, लेकिन हम कभी इन जगहों पर क्यों नहीं गए, क्यों देखने नहीं गए। दोस्तों हम कोई भी कार ले ले, लेकिन कार लेने के बाद में जो है हम इतने जगहों को एक्सप्लोर नहीं करते जितना कि बाइक लेने के बाद करते हैं। जैसे ही आप बाइक लेते हो तो आप अलग अलग लोकेशन ढूंढना शुरू कर लेते हो, यूट्यूब पे चले जाते हो, गूगल पे चले जाते हो, और ऐसे ऐसे लोकेशन को ढूंढ के लाते हो कि जो कई बार कितने लोगों को पता भी नहीं होते। तो दोस्तों यही मज़ा है बाइक राइडिंग का, कि बाइक राइडिंग में आप नई नई एडवेंचरस जगहों को ढूंढते हो, उन्हें एक्सप्लोर करते हो। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप भी सैटरडे संडे को अपनी बाइक लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है या एडवेंचर बाइक है, जो भी बाइक है। आप छोटी मोटी 50-100 किलोमीटर की जो राइड है वो आप किसी भी बाइक पर कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लोर करो, निकलो सुबह अपने घर से बाहर और नई नई जगहों को ढूंढो, उसे देखो और एंजॉय करो। एक एक्सीडेंट हो चुका है और एक बाइक सवार जो है इस वक्त नीचे गिर गया है। आई थिंक उसे मदद की ज़रूरत है। लगा गया भाई, ठीक है। क्योंकि इसे बहुत ज़रूरत लगी है। बड़े इत्तेफाक की बात है दोस्तों कि इतने खाली रास्ते पर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जब ऐसे खाली रास्तों पर एक्सीडेंट होते हैं तो वजह बहुत ही साफ है और बहुत ही सीधी है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की कुछ मस्ती है।
जैसा कि ये लड़के आपस में मराठी में बात कर रहे थे तो उनके लैंग्वेज से मुझे ये लगा, क्योंकि मराठी मैं भी बहुत अच्छी जानता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र का हूँ और यहीं पला बड़ा हूँ, कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी वो मस्ती कर रहा था। बाइक चलाते वक्त मस्ती ज़रा भी नहीं चलती है, बहुत ही ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से, शांति के साथ आपको बाइक चलानी चाहिए। किसी भी प्रकार की घाई नहीं करनी चाहिए और स्टंटबाजी तो ज़रा भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस वक्त हम करीब करीब तानसा लेक पे पहुंच ही चुके हैं। हमारी मंजिल जो है यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ही है। अभी गूगल मैप जो है फिर से यहाँ से लेफ़्ट बता रहा है, पर लेफ़्ट जैसा कोई रास्ता यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। और अब यहाँ से फिर से गूगल बाबा ने अपना रास्ता बदल दिया है, तो अब ये रास्ता मुझे नहीं पता कहाँ से होके जाएगा, पर शायद मुझे जो है अभी किसी से पूछना पड़ेगा कि तानसा लेक की ओर जाने के लिए कहाँ से मुझे लेफ़्ट या राइट लेना है। तो बेटर मैं अपनी बाइक को कहीं रोकूं और आसपास कोई अगर दिखे तो मैं पूछूं। यहाँ पे एक लड़की बैठी है, उसे पूछता हूँ। अरे तानसा डैम जाएगा रास्ता कूटे कुटून जाएगा सरल जाएगा गेट आहे तिकडे या बाजूला या बाजूला समोर डैम येणार ना डैम तिकडे जाए। ओके ओके थैंक यू। पूछ जरा, पूछ के जरा उसको, इधर से जाने का क्या बोला इसने? डैम के लिए पूछ, रिवर के लिए। इस वक्त मैं फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि एक रास्ता जो है यहाँ से सीधे जा रहा है और दूसरा रास्ता यहाँ से लेफ़्ट की ओर जा रहा है। तो मैंने हिच से कहा है कि ज़रा फिर से एक बार पूछ के आए तो पता चलेगा कि कहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, हमें लेफ़्ट नहीं, हमें स्ट्रेट ही जाना है। मैं इशारे से समझ चुका हूँ, हिच जो है बहुत ही होशियारी से रास्ता समझ रहा है। मुझे नहीं पता उसे कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि सामने वाला इंसान मुझे पक्का पता है कि ज़रूर उससे मराठी में बात कर रहा होगा और इसे मराठी आती नहीं है हित को। तो हित बड़े ही कॉन्फिडेंस से मेरे पास में आ रहा है। क्या वो पता चला? स्ट्रेट है पूरा 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। ओके चला जा बैठ। तो देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल जंगल का जंगल दिख रहा है इस वक्त वहाँ पे, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि हमें और भी कुछ जानवर यहाँ आज देखने मिल जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बारिश का महीना है। तो बारिश के मौसम में अक्सर बहुत सारे जीव जो है वो बाहर निकलते हैं, घूमते हैं यहाँ पे वहाँ पे, तो हो सकता है कि आज हमें कुछ और अच्छा देखने मिल जाए यहाँ पे। तो कोशिश करूँगा मैं उसे कैप्चर करूँगा। दोस्तों इस वक्त आप ठीक मेरे सामने तानसा लेक को देख सकते हो। हम मोस्टली हमारे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कहां से लूँ इस वक्त रास्ता, स्ट्रेट ही लूँ कि राइट होके निकलूँ यहां पे, पर हम करीब करीब हमारे मंजिल के बहुत बहुत करीब हैं। यहां से ही कोई रास्ता जो है वो ठीक नदी के किनारे हमें ले जाएगा। मैं इस किनारे से ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ और ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं लेक को देख के बहुत खुश हो जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि मैं शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ। ये देखिए बृहत मुंबई महानगर पालिका जल विभाग तानसा, पर यहाँ से हमें शायद लेक के अंदर जाने की एंट्री नहीं है। तो मैं पूछूँगा इनसे, साहब लेक चाय कड़े कैसे जाए जा? लेक चा जवळ जायचं असेल तर कोणता रस्ता ना इकडून काय जायचं तिकडे? कोणता रस्ता नाही काय, चालून पण बाईक सोडून चालून पण नाही जाऊ शकत तिकडे, पॉसिबल नाही। अच्छा अच्छा ओके ओके, तर रास्ता पूर्ण बंद आहे ते। ओके बघतो, थँक्यू। हां कॉन्फिडेंशियल आहे। ओके 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 थैंक यू। ठीक है ठीक है।
दोस्तों बैड लक की ये रास्ता जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ये एरिया, तो हमें सिक्योरिटी ने यहाँ अंदर जाने के लिए मना कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा था कि मैं लेक के किनारे पहुँचूँगा और पहुँच के बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर जो है वो कैप्चर करूँगा, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। रास्ता इन्होंने कहा कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है। पर हार मानने वालों वैसे मैं तुम्हें नहीं हूँ। मैं कोशिश तो करूँगा कि बाइक यहीं कहीं आसपास छोड़ के थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ यहाँ से मैं डैम के पास जाने की, कुछ तो कोशिश करूँगा। यहाँ तक आके फिर से खाली हाथ जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बाइक को मैं यहीं कहीं पर छोड़ूँ और कुछ ट्राई करूं। दोस्तों इस वक्त हम तानसा लेक पे पहुंच चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी ने हमें मना कर दिया कि आप यहां से अंदर नहीं जा सकते हो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दूसरा रास्ता नहीं निकलता, तो यहीं पास एक खड़े व्यक्ति से मैंने पूछा, जिन्होंने भाई साहब ने मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ से एक शॉर्टकट बताया है कि जहाँ से होते हुए चल के बाइक मुझे यहाँ पीछे छोड़नी पड़ी और हीत और मैं जो है यहाँ से अब यहाँ से चल के एक शॉर्टकट है जिस शॉर्टकट से होते हुए उस तानसा डैम की ओर जाएंगे। और आज सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो हम तानसा डैम पे ही करेंगे। इस वक्त मेरे सामने जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सामने मेरे जो है एक बहुत अच्छा सा हरियाली से भरा हुआ एक लैंड है जिसके ऊपर जो गाय है घास चर रही है। मैं आपको एक बार कैमरा रोटेट करके ये खूबसूरत सा दृश्य दिखाता हूँ। उनके पास जाने की कोशिश करूंगा मैं और बाजू में जाके भी एक बार ये इतना ब्यूटीफुल सा सीन जो है कैप्चर करता हूं एक बार। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त यहां पे। हमारे पीछे का जो पूरा एरिया है पूरा हरियाली से भरा हुआ है और यहां पे जो एक रास्ता है ये देखिए मेरे सामने, इस रास्ते से होते हुए जो हमें डैम की तरफ जाएँगे चल के, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक आए तो रिवर के किनारे तक तो हम जाएँगे ही। तो चलते हैं सीधा अभी इस रास्ते से होते हुए नदी के किनारे तक। जो शॉर्टकट रास्ता हमें मिला था यहाँ से उस डैम की ओर जाने का, वो रास्ता बहुत ही बेहद ही ख़राब है। आई थिंक यहाँ से चल के जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि पूरा पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही गंदा पानी है और यहाँ से इसे क्रॉस करके जाना थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि जाए कि ना जाए। क्या करें, चले एक बार ही चले पक्का? कहाँ से उतरे अंदर? मच्छर तो ठीक है, एक मिनट का तो रास्ता है यहाँ से। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टोन के ऊपर से, हाँ स्टोन्स है यहाँ पे, इन स्टोन्स के ऊपर से पैर दे के हम यहाँ से आगे चलेंगे। संभल के चल, संभलना फ्रॉग है अंदर। ओके तो ही जा चुका है, अब मैं जो हूँ यहाँ से चलते हुए सीधे अंदर की ओर चल, लेफ्ट राइट और पैर दे यहाँ पे। वेरी गुड। देखिए ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए कैसी कैसी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब मेरी बारी है यहाँ से अंदर घुस के इस तरीके से चलने की ताकि पैर जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि शूज़ ख़राब हो गए एक बार अगर यहाँ से तो बाइक चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। आ चुके हैं हम इस ओर और ये देखिए हमारे सामने तानसा रिवर ठीक हमारे आंखों के सामने। अभी यहाँ से जो है हम उतरेंगे इन चट्टानों पे से छोटे छोटे और चलते हुए सीधे चलेंगे किनारे की ओर। और आज का सुबह का ब्रेकफास्ट जो कि हम घर से लाए हैं बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, वहाँ बैठ के आपको दिखाऊँगा क्या करने वाले हैं हम। वैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट हीत कभी करता नहीं है, उसके ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ब्रेड पाव और क्या खाता है हीत सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में? पोहा। पोहा और बहुत सी ऐसी चीज़ें खाता है जो कि नहीं खानी चाहिए। और अभी अभी हीत ने सुबह सुबह जिम चालू किया है तो उसको एक बहुत ही अच्छी हेल्दी डाइट देने वाला हूँ मैं। उसके डैड ने मुझसे कहा है कि उसको एक अच्छी सी डाइट दे के उसका वेट लॉस कराना है, तो आज जो है उसे बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट कराने वाला हूँ यहाँ पर इस रिवर के किनारे पर बैठ के। और इस वक्त मेरे ठीक सामने तानसा रिवर है जो कि 2 घंटे बाइक चलाने के बाद का
दूसरा ब्यूटीफुल व्यू है। रास्ते में बाइक चलाने का बहुत ही मज़ा आया। दोनों तरफ पाइपलाइन से होते हुए हम लोग यहाँ से निकले हैं और इस रास्ते पे यहाँ तक पहुँचने के बाद में इस रिवर को देखना, इट्स टू गुड, टू ब्यूटीफुल, व्हाट आई कैन से मोर अबाउट इट। ये मेरे सामने का दृश्य, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है आज का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे में हम इस वक्त पहुँच चुके हैं। और इस वक्त सुबह के करीब करीब 9:04 हुई है। हमारे स्केड्यूल टाइम से हम 1 घंटा देर पहुँचे क्योंकि बाइक के ऊपर थोड़ा सा मुझे समय लग गया, कुछ चीज़ें मुझे माउंट करनी थी उसमें समय चला गया। तो इस वक्त जो है हम यहाँ पे बैठेंगे और थोड़ी देर म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे। हमेशा की तरह अपने साथ में बोस का स्पीकर छोटा वाला मेरा मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो म्यूज़िक सुनेंगे, फ़ोटोग्राफी करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और इस व्यू को एंजॉय करेंगे। आप भी कीजिए। दोस्तों इस वक्त हम लोग लेक पे बैठे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर हमने क्लाइम किया जहाँ से मुझे हमें लेक का और भी खूबसूरत सा व्यू मिले। मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ और यहाँ पे हीत बैठा हुआ है ब्रेकफास्ट की तैयारी करके। मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं आज। तो इस वक्त हमारे साथ में जो हम घर से लेके आए हैं, खास तौर पर मैं हीत के लिए लेके आया हूँ, तो इसमें ब्रेकफास्ट में एक एक एप्पल है, ओके, और थोड़े बहुत हीत के लिए बिस्किट लाया मैंने क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कराऊँगा तो अगली बार वो मेरे साथ पे राइड पर आएगा नहीं तो फोटोग्राफी की मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज की डाइट में एप्पल और बिस्किट्स। और ये हमारा छोटा सा साउंड सिस्टम इस वक्त यहाँ पे, जो हर बार हर ट्रैवलिंग में हमारे साथ रहता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही छोटा, कॉम्पैक्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुरीला साउंड है इसका। तो जब कभी भी मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मैं इसे अपने साथ में ज़रूर कैरी करता हूँ। तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ में दोस्तों। दोस्तों इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं, करीब करीब 1 घंटा हमने यहाँ पे इंजॉय किया है और भूख भी लगी है क्योंकि नाश्ता बहुत लाइट किया हमने यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, करीब करीब 2 घंटे की फिर से राइड है मुंबई के लिए। इस बीच में हम एक लंच ब्रेक भी लेंगे, देखेंगे रास्ते में कौन सी अच्छी होटल मिलेगी जहाँ पर हम लंच कर सकेंगे। तो एक लंच ब्रेक करेंगे और लंच कहाँ करना है इसका भी मैं, अगर मुझे जगह अच्छी लगी तो उसे भी मैं शूट करके आपको उसका भी रिव्यू दूँगा। तो अब चलते हैं मुंबई के लिए। दोस्तों इस वक्त ज़ोरों की भूख लगी है तो हम लोग बीच में एक ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है तो यहीं पे बाइक पार्क करके आज सुबह का लंच हम मैकडॉनल्ड में ही करेंगे। दोस्तों मैकडॉनल्ड में अभी हमने यहाँ पे बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लिया, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। अब थोड़ी सी शांति होगी बिकॉज सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ मॉर्निंग में एप्पल ही खाया था और एक कॉफ़ी पी थी। तो अब थोड़ा सा पेट में जाने के बाद मैं फीलिंग वेरी मच गुड एंड वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो।
सो लुकिंग फ्रॉम हियर एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 1 घंटे और 10 मिनट का रास्ता जो है हमारे घर के लिए है, तो सीधा चलेंगे हमारे घर की तरफ। दोस्तों आज की ये राइड बहुत ही खूबसूरत रही, बहुत ही इन्जॉय किया मैंने, और वजह बड़ी साफ है कि साथ में आज मेरे हीप था, तो हम दोनों ने बहुत ही खूबसूरत और अच्छा टाइम एक साथ में स्पेंड किया है दोस्तों। और दूसरी वजह खास ये रही कि कोकण राइड के बाद में ये मेरी पहली राइड है जो मैंने बहुत महीनों के बाद में की है। करीब करीब मार्च में कोकण राइड की थी, उसके बाद में ये जुलाई महीने में करूँ, 3 महीनों का एक लंबा गैप आ गया था। इस बीच में मैं कोई मोटो व्लॉग बना नहीं पाया था और सारे ट्रैवल व्लॉग इस बीच में मैंने बनाए थे, तो ये भी एक वजह है कि एक लंबा टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं आज मोटो व्लॉग को, इस राइड को बहुत इंजॉय भी कर रहा हूँ। और तीसरी खास वजह है कि मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैंने पहली बार रोड का माइक जो है गोप्रो में इंस्टॉल किया है। इसके पहले के तमाम मेरे व्लॉग्स में एक प्रॉब्लम थी कि साउंड क्वालिटी मोटो व्लॉग में अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने माइक चेंज किया है। तो मुझे बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस बात को लेकर कि इस बार मेरे ऑडियो क्वालिटी कैसी आएगी। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी को, अगर मेरी ऑडियो क्वालिटी पिछले मोटो व्लॉग से इस व्लॉग में अगर बेहतर लगे, अच्छी लगे, तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये काम सही किया है कि नहीं किया, कि मेरा डिसीजन 7,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है रोड माइक में वो सही है या नहीं है। दोस्तों एक और गुजारिश करूँगा मैं आप सभी से, करीब 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, हर वीडियो पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल को फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले मोटो व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।